दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह लाइव बायोस्कोप प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मैं हूं कंगन घाट पे। जी ये पटना साहिब में गंगा नदी के किनारे में इस वक्त कंगन घाट पे हूं और ये मौका है सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के उत्सव का। इस उत्सव को प्रकाश उत्सव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पटना में 4-5 दिनों से बहुत ठंड पड़ रही है और पूरा पटना कांप रहा है, लेकिन इस प्रकाश उत्सव में पटना साहिब की धरती पर जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, इस उमड़ती भीड़ के कारण ठंड कुछ फीका सा पड़ रहा है। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे, ये कंगन घाट के चारों तरफ जो है मेला लगा हुआ है। अभी हम लोग चलेंगे और आपको नजदीक से ये सारी चीजों को दिखाएंगे। उसके बाद पटना सिटी गुरुद्वारा भी हम लोग जाएंगे और आपको वहां से सारा लाइव शूटिंग हम इस बायोस्कोप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कंगन घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां से श्रद्धालु जो है उस घाट की तरफ जा रहे हैं। 353वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही गुरु नानक देव जी महाराज का 550वें प्रकाश पर्व को भी यहाँ मनाया गया, जो 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक मनाया गया था। और आप देख सकते हैं घाट पर काफी भीड़ है। आपको अगल बगल का हम नजारा भी दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा गुरुद्वारा है ये, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, काफी बड़ा मेला है। उसको हम लोग पास से जाकर देखेंगे। दोस्तों इस घाट के किनारे देखिए बहुत सारे नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घाट के किनारे बहुत सारे नाव हैं और उधर बड़े बड़े जहाज भी लगे हुए हैं। एक बार हमारे दर्शकों को हाय बोल दीजिए। हम बोल रहे हैं। हाँ एक बार हाय बोल दीजिए। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? देवेंद्र प्रसाद चौधरी। ओ देवेंद्र प्रसाद चौधरी, जरा सा तेज बोलिएगा, थोड़ा सा माइक हम लोगों के पास एक ही है। तो ये कंगन घाट पे ये हर वर्ष मेला प्रकाश उत्सव में जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मान्यता होगी, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इतना सारा मेला और इतने सारे लोग, ये कंगन घाट को क्यों चुना गया, इससे क्या संबंध है प्रकाश उत्सव का? गुरु गोविंद सिंह जो थे ना जी, यही कंगन घाट पर स्नान करने आते थे। अच्छा, यहाँ जन्म स्थान है जी, और यहाँ जो आते रहते थे बराबर। तो बचपन में लड़कन तो खुदे करता है जी जी जी, मतलब कहता है परेशान जो कर रहा है जी जी, तो अपना कंगन हाथ से निकाल करके भी हाँ, इसमें बुद्ध बोले हाँ, उसमें देख के बोले ऐसे नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसे भी जा रहा है तो अच्छा लगेगा ना, फेस आएगा। बोला कंगन मेरा निकाल दो जी। इसी घाट से कंगन उनका कै गो कंगन निकला, अजूबे ना बात है। ओ, उनका कंगन यहाँ घाट पे गुम हो गया था पानी में, गंगा नदी में। अच्छा, जान के खुद बिक दिए, खुद बिक दिए थे जी। और स्वामी रामदास जो थे महात्मा यहाँ के जी जी, उनको दर्शन दिए थे राम जी के रूप में। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी इसी घाट पर दर्शन दिए थे। हाँ, अच्छा, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। ऐतिहासिक घाट ना हो गया जी। तो दोस्तों आपने सुना ये कंगन घाट की मान्यता, गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे कंगन गुम हो गया था बचपन में और बाद में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि जो भी इस घाट पे आता था उसे एक कंगन मिलता था। ये बहुत बड़ा चमत्कार था और इसलिए कंगन घाट का नाम है, जुड़ा हुआ है। जो लोग गुरुद्वारे आते हैं वो यहाँ पर माथा टेकने के बाद कंगन घाट को भी घूमने आते हैं। यहाँ पर पौराणिक मान्यता है गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग टेंट सिटी की तरफ और वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था है,
वहाँ का थोड़ा सा जायजा लेते हैं, वहाँ का हाल आप लोगों को भी हम दिखाते हैं। दोस्तों हम टेंट सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं और ये देखिए आप चारों बगल आप देख सकते हैं बड़े बड़े पंडाल और काफी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर सुरक्षा का काफी ख्याल रखा गया है, पुलिस और प्रशासन यहाँ पर चौकन्ना है, किसी भी तरह की जो सुरक्षा का छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। रात में ये घाट बहुत सुंदर दिखाई देता है, पूरे रोशनी से नहाया हुआ कंगन घाट बिल्कुल आपको दुल्हन की तरह सजा रहता है और काफी रोशनी रहती है और उसमें काफी खूबसूरत आपको ये घाट देखने को मिलता है। दोस्तों हम आ चुके हैं अब तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे के पास, आप यहां देख सकते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली पे खड़े हैं। अंधेरा होने को आ रहा है, धीरे धीरे बत्तियां जो है वो जलनी शुरू हो गई है और अब हम लोग चलेंगे इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के अंदर। इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था।